नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 190 क्या है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 190 है वो क्या कहता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 190 है उसमें ये कहता है कि सीट को कैसे खाली माना जाएगा। जैसे सीट है हमारी, किसी विधायक की सीट है, ये हमारी सीट है, इसके हम विधायक हैं, इस सीट को कैसे खाली माना जाएगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य है ना, तो वो दोनों जगह अपना पद नहीं रख सकता, है ना। तो किस कहीं एक जगह से वो अपना पद त्याग कर किसी एक सीट पे कार्यरत रहेगा। दूसरा कंडीशन है, या राष्ट्रपति सीट काटते, या फिर जैसे कोई विधायक है, दो राज्यों से विधायक है, तो किसी एक राज्य के उसे पद त्यागना पड़ेगा, फिर किसी एक राज्य में विधायक रह सकता है। या राष्ट्रपति सीट काट कानून राष्ट्रपति कानून बनाकर सीट उसकी काट सकता है। या तो तीसरा कंडीशन है कि कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हो और तब उसकी सीट वह चली जाएगी। और फिर एक कंडीशन और आता है कि उस व्यक्ति पर जो विधायक है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, उसमें वह सीट खाली कर देगा। या तो फिर एब्सकॉन्डिंग 16 डे, सत्र चल रहा हो और लगातार सत्र में वो अब्सेंट हो, 60 दिन हो गए हों, उस समय उसकी सीट खाली मानी जाएगी, है ना। ये कुछ कंडीशन आती हैं जिस समय सीट खाली रहता है। और फिर एक फाइनल कंडीशन है कि वह त्यागपत्र दे दे। तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 190 जो हमारी सीट है वो कैसे खाली रहेगी, है ना। वैकेंसी ऑफ सीट, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर समझाते हैं, आपको ज़्यादा बेटर नॉलेज होगा। तो आइए समझते हैं जो हमारा आर्टिकल 190 है ना, वो कहता है सीट खाली कैसे मानी जाएगी। सीट खाली विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक पद का त्याग, जब कोई व्यक्ति दो जगह हो जाएगा तो किसी एक पद का त्याग करेगा वो, है ना। फिर दो राज्यों का जो विधायक है वो किसी एक राज्य का सीट खाली करेगा, है ना। राष्ट्रपति नियम बनाकर सीट काट सकता किसी एक राज्य की। दूसरा, भ्रष्टाचार से लिप्त है तब सीट खाली मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज है और उस समय सजा सुना दी गई तो सीट खाली हो जाएगी, जिस प्रकार राहुल गांधी की सीट खाली हुई थी। तीसरा, वह त्याग पत्र देते तथा सत्र चल रहा हो और सत्र 60 दिन तक का सत्र है उसे ज़्यादा हो और लगातार वह एब्सकॉन्डिंग रहा हो, उस केस में उसकी सीट खाली मानी जाएगी। तो आर्टिकल 190 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।